तो बारिश के समय में फंगस जनित डिजीज का अटैक फसलों में ज्यादा देखने को मिलता है, उसके साथ साथ ही इंसेक्ट का प्रकोप भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक साथ ही आप इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और फंगस जनित डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो में लाइव मैं आपको घोल तैयार करके दिखाऊंगी, एंट्राकोल फंगिसाइड प्लस कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड। किस तरीके से घोल तैयार करना चाहिए, परफेक्ट इनकी डोज क्या होती है, कौन कौन सी डिजीज को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ ही क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये 500 लीटर का टैंक है जिसमें कि हमने लिया है एंट्राकोल फंगिसाइड, और एंट्राकोल फंगिसाइड जो कि बायर कंपनी का आता है। केमिकल कंपोजिशन इसमें आता है प्रोपिनेप 70% और WP पाउडर फॉर्म में आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। प्रोपिनेप ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट फंगिसाइड होता है। और फसलों की बात की जाए कि कौन कौन सी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिर्च, टमाटर, आलू, धान, कपास, अनार, सेब, अंगूर, यानी कि सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बागवानी में भी आप प्लांट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजीज की बात की जाए कि ये कौन कौन से डिजीज को कंट्रोल करता है, तो लीफ स्पॉट की समस्या अभी बारिश के समय में ज्यादा देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार के पौधे हों या फिर फसलें हैं जैसे कि टमाटर वगैरह है या मूंगफली पे ज़्यादा लीफ स्पॉट की समस्या देखने को मिल रही है, और कपास में भी लीफ स्पॉट की समस्या ज़्यादा आती है, तो उस वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है, फ्रूट स्पॉट है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, टमाटर में बैक आई रोट की समस्या आती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्कैब की समस्या आती है सेव में ज़्यादा, और धान में नैरो लीफ स्पॉट की समस्या ज़्यादा आती है, तो उससे भी ये कंट्रोल करता है। प्राइस की बात की जाए तो 500 ग्राम का ये पैकेट है जिसपे MRP है 430 रुपये, और लगभग 350 से 400 रुपये के समथिंग ये मार्केट में अवेलेबल होता है। दोस्तों प्राइस अप डाउन हो सकती है, और इसकी परफेक्ट डोज है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम एंट्राकोल फंगिसाइड को 200 लीटर पानी में आप मिक्स करें और स्प्रे करें, और इसका रिजल्ट टाइम है लगभग 10 दिन, यानी कि आपकी फसलों में 10 दिन तक इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और एंट्राकोल फंगिसाइड के साथ में इंसेक्टिसाइड लिया है ये कॉन्फिडोर जो कि बायर का आता है। इसमें केमिकल कंपोजिशन आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में ये आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये नियोनिकोटिनोइड ग्रुप का इंसेक्टिसाइड होता है जो कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करके इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, इंसेक्ट को मारता है। और फसलों की बात की जाए कि इसको कौन कौन सी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कपास, धान, गन्ना, मक्का, मूंगफली, मिर्च, टमाटर, भिंडी, आम, अनार, अंगूर, सिट्रस, फूलों की खेती जैसे कि सूरजमुखी, गेंदा, इन सब में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से ये इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, लीफ माइनर, ब्राउन प्लांट होपर, वाइट बैग्ड प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, टर्माइट, साइला, बहुत तरीके के इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। इसकी परफेक्ट डोज होती है 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। और विशेष सावधानी के तौर पे दोस्तों, जब भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो फंगिसाइड का अलग से घोल तैयार करना चाहिए और इंसेक्टिसाइड का अलग से घोल तैयार करना चाहिए, जैसा आपने वीडियो में देखा है। उसके बाद में आप इन दोनों को एक जगह मिक्स कर लीजिए, और लास्ट में इस घोल में चिपको जरूर यूज करना चाहिए, और सिलिकॉन चिपको जो कि शॉर्ट शॉर्ट नाम से आता है, इसकी डोज 1 ml प्रति 5 लीटर के हिसाब से घोल तैयार कर सकते हैं। घोल में आप मिक्स कर सकते हैं, 500 लीटर के टैंक में आप 100 ml ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार होता है। आप फंगस जनित डिजीज से भी अपनी फसलों को बचा सकते हैं और इंसेक्ट से भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो ये परफेक्ट तरीका है घोल तैयार करने का। इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन तैयार करें।
जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।